My dad praising me for getting 99 marks. Me who forget to say 99 out of 1000. हेलो गाइज, नॉर्मली पेड इंसानों से ज्यादा जीते हैं। क्या आप सबसे पुराने ट्री के बारे में जानते हैं? हमारी अर्थ के सबसे ओल्डेस्ट ट्री के बारे में ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक देखना। ये है ग्रेट बेसिन पिछलेकोन पाइन। हमारे ग्रह पे सबसे ओल्डेस्ट जीवित चीजों में से एक है। ये 5000 साल पुराना है, यानी आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय का है। पर ये भारत में नहीं है, ये USA के कैलिफोर्निया में है। पर इसके एग्जैक्ट लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है। इनकी स्पीसीज ने सबको पछाड़ रखा है, पर ये इतने सालों तक कैसे जिंदा है? इसका कारण कि इस पेड़ के आसपास ऐसी कंडीशन है जिसने इसे इतने लंबे समय तक जीने में मदद की है। ये पेड़ बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता है और इस कारण ये काफी कठोर है। इस तरह आराम आराम से बढ़ने और कठोर लकड़ी होने के कारण यह पेड़ बहुत से इंसेक्ट, फंगाई, बैक्टीरिया और इरोजन के प्रति रेजिस्टेंट है। इस पेड़ के चारों तरफ बहुत कम वेजिटेशन है। यदि कोई आग लगती है इन वेजिटेशन में तो वह इस पेड़ तक नहीं पहुंच सकती। पर हम किसी पेड़ की एज को हम कैसे जान सकते हैं कि वह कितने साल पुराना है? एक तरीका है जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहती है, यानी साइंस ऑफ डेटिंग ट्रीज। पहला तरीका है कि पेड़ों को काट दो और इसमें इनकी रिंग्स को काउंट करके एज को पता लगा सकते हैं। सेकेंड तरीका कि पेड़ में एक डिवाइस की सहायता से एक सिलेंड्रिकल हिस्से को इसे अलग किया जाए, फिर उसकी रिंग्स को काउंट किया जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इतने पुराने पेड़ को काटा जाए। Me after using my full internet data. क्या मधुमक्खियां बोल सकती हैं? ह्यूमंस बोलकर अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, पर मधुमक्खियों में ऐसा नहीं होता है। तो मधुमक्खियां कैसे अपनी बातों को दूसरी मधुमक्खियों तक पहुंचाती है? मधुमक्खियां अपनी बातों को अपने एक पर्टिकुलर मूवमेंट या वैगल डांस से अपनी बातों को दूसरी मधुमक्खियों तक पहुंचाती है। जब कोई नेक्टर का सोर्स नजदीक होता है तो मधुमक्खियां सर्कुलर पाथ में डांस करती हुई घूमती है अराउंड 165 फीट। यदि फूड इससे ज्यादा दूर है तो मधुमक्खियां वैगल डांस में उन्हें बताती है। जिस डायरेक्शन में फूड है मधुमक्खियां उसी के एंगल के अनुसार वैगल करती है, इससे बताते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। सन के रिलेटिव में मधुमक्खियों को इस वैगलिंग में जितना टाइम लगेगा नेक्टर उतना ही दूर है। जैसे 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दूर है, 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर दूर है। जितनी ज्यादा वैगलिंग उतना ज्यादा अच्छा फूड। म्यूजिक अपलांट पर कैसे प्रभाव पड़ता है वो चेयर।